मेरे साथ हैं, इनका नाम है आशीष और ये जाट महर सिंह के पोते हैं और काफ़ी कुछ नए नक्श ऐसे थे ऐसा माना जाता है। मेरे साथ में जाट महर सिंह जी के जो लड़के थे उनकी बहू है यहाँ पर मौजूद, आपका नाम क्या है? बिमला। ये देखिए क्या उसी समय का शतीर, क्या कड़ियाँ, कमाल। और उस समय का है इसीलिए चल भी गया, वरना अब इस लकड़ी इतनी मजबूत या देखने में हमें नहीं मिलती। इस पेन में, इस दुख में उन्होंने जाट शब्द यूज किया है अपने रचनाओं में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आज मैं आपको लेकर आया हूं भारत के हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के गांव जिसका नाम है बरोना। और यहां पर आने का कारण है एक प्रसिद्ध हस्ती दूसरे विश्वयुद्ध के समय की भारत की, जिनका नाम है जाट महर सिंह। उनके बारे में जानने के लिए आज हम उनके पैतृक गांव जिसका नाम है बरोना में आए हुए हैं और जानने की कोशिश करते हैं और देखने की भी कोशिश करते हैं क्या उनसे जुड़ी हुई कोई स्मृति, कोई घर, कोई चीज़ें आज भी इस गांव में मौजूद हैं और उनके बारे में इन गांव वालों का क्या कहना है। जाट महर सिंह के नाम पर आप देखेंगे गांव के जो मेन रोड है, जो मेन सड़क है गांव की, वहीं पर एक आदमकद शानदार भव्य मूर्ति बनी हुई है। सैनिक ड्रेस में जाट महर सिंह जी उसमें खड़े हुए हैं, मेडल्स वगैरह लगे हुए, वो आपको अंदर भी दिखाने लेकर चलूँगा। उससे पहले मैं आपको ये दिखाऊँगा, ये स्वतंत्रता सेनानी शहीद कवि जाट महर सिंह की प्रतिमा का अनावरण उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम कौर द्वारा समाजजनों के सहयोग एवं महर सिंह स्मारक समिति के संस्थापक डॉक्टर के मार्गदर्शन में दिनांक 15/2/2003 को यहाँ पर ये प्रतिमा लगी थी। और जाट महर सिंह का जो जन्म है वो है 15/2/1918 और 31/3/1944 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इनकी शहादत हुई थी और ये इसी गांव से में इनकी पैदाइश है। आइए मैं आपको इनकी एक आदमकद सुंदर भव्य मूर्ति दिखाने लेकर चलता हूँ। किस हालत में है आज? ये देखिए कितनी भव्य सुंदर, एक सैनिक की ड्रेस में, क्योंकि इनका जो प्रोफेशन था जीवन का वो एक सैनिक का था और जो, लेकिन ये एक मन से थे, एक बुद्धिजीवी थे, एक कवि थे, एक गायक थे और ऐसा दुर्लभ कॉम्बिनेशन शायद ही दुनिया में पहले कभी हुआ हो या हुआ मैं नहीं जानता कि सैनिक और कवि और गायक सबकी आत्मा एक व्यक्ति के अंदर सबके गुण। ये देखिए पीछे भारत का झंडा और ये इनकी याद में इस गांव में प्रतिमा आज भी यहाँ मुख्य मार्ग पर लगी हुई है और आते जाते लोग इसके दर्शन करते हैं। इस समय हम मौजूद हैं जाट महर सिंह के पैतृक निवास पर, घर पर, और उनसे, उनके जो परिवार वाले हैं आज उनसे बात करते हैं और उनके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। मेरे साथ हैं, इनका नाम है आशीष और ये जाट महर सिंह के पोते हैं, आप उनके पोते हैं। हाँ जी, तीसरी पीढ़ी से ये हैं तो उनसे, उनके बारे में कुछ जानते हैं। जाट महर सिंह की जो डेट ऑफ बर्थ है और उनके शहादत की तिथि क्या है? उनकी सर ऑन जो रिकॉर्ड के अनुसार है आर्मी की, उसके हिसाब से 15 फरवरी 1918 तो डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा। और 1945 में जो उनकी एक्सपायरी डेट है। हाँ जी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और उनकी शहादत कहाँ हुई है? उनके साथ ये जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट आए, हमने जो कटवाए हैं गवर्नमेंट की तरफ से मिले हैं हमने, तो बर्मा में उनकी डेथ हुई थी। अच्छा। हाँ जी, बर्मा में जब लड़ाई चल रही थी दूसरे विश्व युद्ध की, सेकंड वर्ल्ड वॉर, जापान के साथ वो फ्रंट था अंग्रेजों का, ब्रिटिश का, वहाँ पर सर। जाट महर सिंह जी कितने भाई थे, कितनी बहन थी? वो चार भाई थे और एक बहन थी उनकी। अच्छा। सबसे बड़े मेरे दादा महर सिंह जी थे। हाँ। उसके बाद मांगेराम जी थे। हाँ। तीसरे नंबर पर भूप सिंह जी थे और चौथे नंबर पर कंवर सिंह जी थे। अच्छा। एक उनकी बहन थी सहजो। उनकी कुछ मैरिड लाइफ के बारे में बताइए। देखिए सर, हमने तो जो आज तक सुना है, अगर वो शादी होने के बाद एक दो बार छुट्टी लेकर आ पाए थे, उसके बाद वहीं पर उनकी शहादत हो गई थी और वो समसपुर खालसा गांव यहाँ दिल्ली में, वहाँ पर उनकी शादी हुई थी। हमने ये सुना है कि उनकी जो वाइफ थी, जब उनको शहादत हो गई उसके बावजूद भी वे गई नहीं यहाँ से। नहीं गई सर, वो यहीं पर रही। 2004 में एक्सपायर हुई थी वो। हाँ, यहीं पर रही थी वो। जाट महर सिंह जो थे, उनके जो और भाई थे उनके साथ ही शादी हुई थी ऐसे सुनने में आया है, एक और तो। हाँ, जो एक तीसरे नंबर के जो भाई थे ना भूप सिंह, उनकी शादी उनके साथ हुई थी।
एक ही घर में, एक ही घर में समसपुर खालसा गांव, समसपुर खालसा गांव। बचपन में कहाँ पढ़े, कहाँ उनके बारे में कहाँ शिक्षा प्राप्त हुई, कितने तक पढ़े थे? वो सिर्फ 3 जमात पढ़े थे सर जी। हाँ, यहीं पर पढ़े थे। गांव में प्राथमिक स्कूल था? प्राथमिक स्कूल था सर। प्राथमिक स्कूल नहीं, मतलब वैसे मदरसे में पढ़ा। मदरसा होता था उस टाइम पर, मदरसा बोलते थे जो बड़ी चौपाल है ना हमारी, तो उसमें मदरसा हुआ करता, तो वहाँ पर उन्होंने 3 जमात पढ़ी पड़ी थी। जाट मेहर सिंह एक सैनिक होने के साथ साथ एक उच्च कोटि के कवि और गायक भी थे, जिनकी रचनाएं आज भी हरियाणा में प्रचलित हैं, गाई जाती हैं, सुनी जाती हैं बड़े शौक से। इनकी कोई खास विशेष रचना जो आप बताइए दर्शकों को, जो सबसे ज़्यादा फेमस है? सबसे फेमस है, अब ये मान लो कि सबसे फेमस, अगर मैं अलग अलग टाइप से बताया, अगर जहाँ जवान हो तो उनमें 2 रागनी सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, गड़ीना बीती ना पल गुजरे उतरा जा शकर तो बरसन लागे फूल बोस पर हाथ मिला अटलरते, या कठिन मरण तो छल डरिया रे शेर भरया गरे चा में भरया खुशी में बोझ नू बंदड़ेगा बाबू ब्याह में, और जे किधर लुगाई बैठी हो लुगाइया ने सुननी हो तो 2 रागनी बड़ी फेमस है, हो मैं तेरी गेल चलूंगी हो जे मेरा कहन पुगा वे, या फिर करके गाल तड़पती छोटी जान क्यों ना काट ले गया, हो परदेसी गेल मेरे भी बांध क्यों ना हट ले गया। और अगर मान लो कहीं पर ऐसा हो कि जो सामाजिक जीवन बैठा है, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, तो वहाँ पर बिना बाप का बेटा सुनना, बिन माता के छोरी, बिन भूमि जमींदारा सुनना, बिन बालम के गोरी, या जीव अमान्य तू ईश्वर की दे दे मत मुट्ठी पीछे, कोई रहा नहीं कोई सब न जाना 2 दिन आगे और पीछे, तो ऐसी बहुत रचनाएं हैं। किसी में कवि होने का गुण मिल जाएगा, किसी में गायक होने का गुण मिल जाएगा, लेकिन इनों में एक फौजी, एक हाड़ी, एक पाड़ी, एक गायक और एक कवि, 5 गुण सारे गुण दे इनमें है, और जो किसी में नहीं है ये हम बोल सकते हैं। सनी भाई, कुछ इनकी कुछ सैनिक जीवन के बारे में और जानना चाहेंगे? इनके पिताजी इनके गाने से नाराज थे, उन्होंने भरसक प्रयास कर लिया था कि ये गाना बजाना छोड़ दे, तो उसके बाद क्या था कि इनकी कोई रिश्तेदारी थी और वहाँ पर कोई सूबेदार थे, तो उन्होंने इनके पिताजी ने उनके सामने अपनी समस्या रखी कि भाई छोरा था यो गान बजाने का काम करने लग गया और यो बट्टा लागे जागा, तो उन्होंने कह दिया कि भाई कोई तो इन्हों इसने मेरे द्वारा गाल दे, इसने मैं फौज में भर्ती करवा दूँगा और शायद गाना छोड़ देगा। तो ये बरेली रेजिमेंट में भर्ती हुए थे, तो वहाँ पर जो इनका ऑथेंटिक डाटा है वो सितंबर 1936 का है। इनकी एक भर्ती और भी है, इन्होंने एक जगह लिखा है कि भर्ती होगा लगे आओ माया मन में 29 तारीख 11वां महीना 41 के सन में। अब उसका हमने जो डिटेल निकाली तो वो उसका हमें पता लगा कि जब ये वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में गए थे, तो वहाँ पे ये जो जर्मन थे उनकी कैद में हो गए थे, ये मोहन सिंह बकना के नेतृत्व में गए थे, वहाँ से मोहन सिंह बकना, तो ये जो किस जगह की लड़ाई मानी जाती है जहाँ जर्मन ने इनको कैद कर लिया था? सिंगापुर की लड़ाई मानी जाती है, जापानियों की कैद में उस मोर्चे पर हो गए, फिर आगे क्या हो? कैद थे तो वहाँ पे एक ट्रीटी हुई थी, उसका मेरे को अभी नाम याद नहीं हो रहा, ब्रिटिश के और जर्मन या जापानी के बीच में, तो उन्होंने वहाँ पर टोटली 15 बटालियन गई थी, जिसमें 10 भारतीय बटालियन थी जो जिसमें भारतीय सैनिक थे और 5 ब्रिटिश सैनिक थे, तो उस ट्रीटी में उन्होंने ये कहा कि जो हमारे ये 5 बटालियन है जो ब्रिटिश सैनिक हैं आप इन्हें हमें सौंप दो, और जो ये भारतीय हैं इनको आप एज ए स्लेव यानी गुलाम रख सकते हो। जब ये बात मोहन सिंह बकना को पता लगी तो उन्होंने महसूस किया कि भाई हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वो इनके कमांडर थे जगह पे मोहन सिंह बकना। तो उन्होंने फिर इनको मतलब उन्होंने जो जापानी थे जर्मन थे उनके साथ संधि कर ली, उसके बाद जब उनको पता लगा कि भाई अंग्रेज तो अपनी बटालियन को लेकर जा चुके हैं हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, तो उन्होंने उनके सामने संधि रखी कि भाई ऐसा है कि मेरे पास ट्रेंड फौजी हैं, आप हमें मारने या गुलाम रखने की बजाय मौका दो, हम अपनी एक अलग सेना तैयार कर सकते हैं और आपके साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ सकते हैं। वहाँ से आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत है। उसके बाद रास बिहारी बोस जो वहाँ पर पहले ही एक्टिव थे आज़ाद हिंद फौज को लेकर वो बना चुके थे, वो कमांड मोहन सिंह बकना ने उनको सौंप दी, लेकिन रास बिहारी बोस है इसको किसी कारण से चला नहीं पाए आगे, और 1920
42 के एंड में या 43 की शुरुआत में सुभाष चंद्र बोस को इसकी कमांड सौंप दी गई। और जब सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई तो डॉक्यूमेंटेशन इसकी तब हुई, उससे पहले इनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई थी। तो यानी अगर जब हमें पाँचवीं छठी क्लास में पढ़ाते हैं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई, 1943 में, लेकिन जब आप उसी चीज़ को बीए में जाके पढ़ते हो तो ये पूरी डिटेल मिलती है कि एक दिन में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नहीं हुई, उससे पहले एक लंबा प्रोसेस चला है। तो कहने का ये मतलब है कि जो इनकी शुरुआत ब्रिटिश आर्मी से हुई, हाँ, और फिर बाद में ये आज़ाद हिंद फौज में चले गए इस घटना के कारण जो सिंगापुर में अंग्रेजों ने जो छल कपट किया। बिल्कुल, उसमें एक काफ़ी लंबा वो था, मतलब काफ़ी सैनिक थे जो हमारे कन्वर्ट हो गए और फिर ये वहाँ से आईएनए की तरफ से लड़े, क्योंकि जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे उन्हें विद्रोही साबित कर दिया गया था, अंग्रेजों के द्वारा विद्रोही साबित कर दिया गया था उन्हें। तो और एक्चुअल में क्योंकि आजकल स्वतंत्रता सेनानी कोई भी लगा ले है, एक्चुअल स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद हिंद फौज के ही जवान थे। उनका कोई एक्चुअल फोटो जैसे कैमरे से खींचा हुआ है उस समय का कोई मौजूद है घर में? सर कोई फोटो तो था नहीं, लेकिन एक फ़ोटो हमारे पास मिले, हमने फोटो एक हमारे साथी हैं राजेश मान गाँव बेरला से, अच्छा सर की दादी पड़ता है गाँव, उनके दादाजी जो थे वो इनके साथ में थे फौज में। हाँ अच्छा, उनकी पूरी जो बटालियन थी ना, हाँ, उसका एक फोटो मिला था हमने। अच्छा। बाकी उसमें क्लियर ये नहीं दिख रहा है कि इनमें से है कौन सा फेड है, हाँ, है पुराना फोटो है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है। जो गांव के बड़े बुजुर्गों से पूछ के और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पठानिया साहब होया करते, अच्छा, जो आर्ट के मतलब डायरेक्टर थे, हाँ, उनके द्वारा ये बनाया गया था। अरे वाह, तो अगर तो काफी कुछ नए नक्श ऐसे थे ऐसा माना जाता है। कवि जाट मेहर सिंह अपनी रचनाओं में अधिकतर जाट शब्द का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या ये किसी कास्टिज्म से प्रेरित है या इसका कोई और कारण है? जो मेरा मानना है और जहाँ तक हमने बड़े बूढ़ों से सुना है कि जाट शब्द उन्होंने जाति को दर्शाने के लिए नहीं यूज किया है, कि उस दौर में ये मानते थे कि गाना बजाना है जो जाटों का काम नहीं है। बरसक विरोध हुआ है उनका, मेहर सिंह का, उन्होंने अपनी रचना में भी कहा है, ऊँता बूढ़ा कलमंद और चातर जाने की बुद्धि पर पड़ गए पत्थर, और बाप मेरा मने पीटन खातर बाज बाज का ठावा छोटा, मैं जरा गनी गाने दे खरे मेरे सिंह ना बतावे खोटा। तो क्या है कि उन पे दबाव था कि आप जाट हो आप गाना बजाना नहीं कर सकते। इस पेन में इस दुख में उन्होंने जाट शब्द यूज किया है अपने रचनाओं में, ये दर्शाने के लिए कि भाई मतलब ये जो काम है ये कास्ट से संबंधित नहीं है, कोई भी कर सकता, इसको कर किसी सकता, जाति में हो सकता, कहीं भी हो सकता है। ठीक, देखिए दोस्तों बड़ी आश्चर्यजनक और बड़ी सुखद अनुभूति हुई है जानकर। ये जो आप कमरा देख रहे हैं ना, ये जाट मेहर सिंह जब सेना में शामिल हो गए थे और उनको पहली तनख्वाह मिली थी तो वो ये जगह ये कमरा ये सब उन्होंने अपने पैसे से बनवाया था, ऐसा इनके परिवार वाले आज भी कहते हैं। और ये दरअसल ये जो परला घर है ये भी उसी में शामिल था, तो समय के साथ में भाइयों में बंटवारा हो जाता है। तो ये काफ़ी बड़ी बैठक थी और इसमें लकड़ी वगैरह जो काट है जो सामान है वो उनकी पहली तनख्वाह से, ऐसा उन्होंने रागनी में भी जिक्र किया है और ये बात हमें इस घर के परिवार वालों ने बताई। आशीष भाई ये भी सब उसी समय का है? हाँ, उसी समय का। एक बार लाइट जलवाइए हो तो, ये देखिए क्या उसी समय का शतीर, क्या कड़ियाँ, कमाल। और उस समय का है इसीलिए चल भी गया, वरना अब इस लकड़ी इतनी मजबूत या देखने में हमें नहीं मिलती। और ये इतनी बड़ी जो ये है घर, इतना ही उधर भी था, इतना क्योंकि डबल था, ये आधा हिस्सा हो गया समय के साथ में। और इस घर में यानी कि उनकी पहली तनख्वाह की रकम यहाँ लगी जब वो आए थे, छुट्टी आए थे ना सर, वो जब वो लेकर आए थे इसने काट पत्थर, जो उनके यारे प्यारे थे वो सारे यहाँ बैठते थे जब वो छुट्टी आते थे। फौजी साहब छुट्टी आ रही है उस दिन तो सारे इकट्ठे हो जाते यहाँ। एक बार इसको जरा बाहर से भी दिखाइए आप घर को। और इन लोगों ने देखिए कमाल, जाट मेहर सिंह जी के प्रति श्रद्धा है कि ये हम जब थे अंदर वो घर का आधुनिक स्वरूप है और ये जो पुराना स्वरूप इसी कारण रखा हुआ है कि ताकि वो निशानियां बनी रहें, क्योंकि इस घर में ये जो भी लकड़ी है
जैसे ये चौखट देखिए, ये सब उन जाट मेहर सिंह की पहली तनख्वाह के का से लगा हुआ है। इसी कारण इसका वही स्वरूप वही रूप आज भी लोगों इन्होंने बचा के रखा हुआ है। थोड़ा पीछे से दिखाएंगे तो और ज़्यादा बड़ी वाइडर पिक्चर आएगी। और ये देख लीजिए, यहाँ से आके उसी समय की कड़ियाँ गड़ी हुई हैं, इसमें खुट्टी गड़ी हुई हैं। और इन्होंने बताया कि जैसे ये वाला पोर्शन भी उसी में था, लेकिन इसको अब मॉडर्न रूप कर लिया है। तो ये सब जाट मेहर सिंह के पहली तनख्वाह से बने हुए घर है, कमरा है, बैठक है उस समय की। मेरे साथ में जाट मेहर सिंह जी के जो लड़के थे उनकी बहू है यहाँ पर मौजूद। आपका नाम क्या है? विमला। विमला, इन्होंने जो जाट मेहर सिंह जी को तो आपने शायद नहीं देखा होगा ना, ना जब, जब शादी होकर आए, लेकिन आप काफी साल बहुत जीवन उनकी जो विवाहित जो पत्नी थी जो उनके डेथ के बाद यही रही, क्या नाम था, प्रेम कौर, प्रेम कौर, उनके साथ रही। तो जाट मेहर सिंह जी की जो पत्नी थी कैसी थी, लंबी चौड़ी थी, कैसी वो थी? अच्छी थी, वह जितनी मारी हाइट से इतनी तो उसकी हाइट थी, इतनी मारी जितनी हाइट थी। स्वभाव कैसा था? स्वभाव कती घनी शीली, घनी नरम लुगाई, किसे तनु वड़का चाली ना, किसे लड़का चाली ना, इतनी शीली लुगाई को छिदिए पाओगी, इतनी शीली लुगाई थी, इतना स्वभाव अच्छा था। स्वभाव अच्छा था, शायद यही कारण था कि उनके जाने के बाद भी आराम से रह लिए यहाँ पर। हाँ, आराम से। और कभी जैसे कुछ बताती हूँ, कभी याद करते हुए जाट मेहर सिंह के बारे में कुछ भी कुछ बताया आपको कि कैसे थे वे, कैसे स्वभाव के थे? कुछ नहीं बताया करती हूँ, हम क्यों, हम तो छोटी बहू हो गए, हम कुछ पूछ देना अकमुसी मरा ताऊ के था ने थानू कहती है तुम अपना चुप रहो, मेरे तो ये बात मना बतला करो, ये बात ना, तुम छोटी सो मैं बड्डी हूँ, न्यू बोल देती हमने थारी तो के बताऊ बड़का था अपना था, न्यू बोल देती हूँ, इन चीजों के बारे में बात करना नहीं चाहती। हाँ, ये देखिए जाट मेहर सिंह जी की धर्म पत्नी का फोटो, शायद ही कभी आपने कभी कहीं देखा हो या किसी ने दिखाया हो। ये शायद उनके आखिरी समय का है, बुढ़ापे का। बुढ़ापे का सर, कितनी उम्र रही होगी उस समय इनकी? ये जो होगी कम से कम आसपास तो जारी होगी। जब अब बताइए अब के हिसाब से, अब मतलब 80-85 के आसपास थी। हाँ, तो 80-84 हाँ, के बीच में ही गुजरी, बीच में गुजरी। कोई बीमार वगैरह थी या कैसे? ना, सब बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही थी। कितनी हाइट रही थी होगी इनकी? इनकी हाइट रही होगी 5-3 के आसपास। 5-3 के आसपास। और आप तो खेले भी हो इनके गोद में? हाँ, छोटे छोटे थे, हमारा याद है जो हम कई खेल मर जा रहे थे, हाथ में इतना करड़ थे, ऐसे हाथ पकड़ लेते ना तो शायद छटवाना जा रहा था, बुढ़िया करड़ी थी, पुराने मजबूत आदमी थे ना। गादरी कुर्ता पहनी थी, क्या पहनती थी, पहनावा क्या? नहीं, बाद में तो ये सारी की साड़ी और साड़ी बांध दिया करती, साड़ी बांधती थी, और सूट सलवार नहीं था ना। और जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जाटों के परिवार में पहनते हैं, बागपत साइड में, वो भी धोती ही पहनते, तो वैसे ही पहनते, पहनावा था। और स्वभाव कैसा था, गुस्सा करती थी या मारती? ना, अच्छा स्वभाव, बहुत नरम स्वभाव था, बहुत नरम। ये देख लीजिए जाट मेहर सिंह से जुड़ी हुई सबसे खास निशानी, सबसे क्लोजेस्ट थिंग आपके नजरों के सामने पहली बार उनकी धर्म पत्नी, लगभग 80-85 के बीच में एग्जैक्ट, क्योंकि गांव में डेट याद नहीं होती, तो ऐसा मान्यता है कि इस उम्र की रही होंगी। इनके घर में आज भी ये फोटो मौजूद है। रागड़ियों में जिक्र किया अपने घरवाली का, घरवाली का बताइए कहाँ कहाँ कुछ दवा सर, इसके संबंध में सर की तैयारी होगी, प्रेम कौर मिस्र, वो मिस्र देश बोलते थे उसको, मिस्र नहीं बोलते थे कभी, मिस्र बोले यार, किसी फौजी कैंपेन पर जाना होगा। हाँ, जब 41 के संबंध में सर की तैयारी होगी, प्रेम कौर मन तेरे होगी चिंता भारी होगी, तो इस तरीके से। तो इनके बारे, जब मिस्र के लिए सैनिक रवाना हुए ब्रिटिश इंडिया में, तो तब कहते हैं कि मुझे आपकी याद की चिंता ज्यादा होगी, तो इसका जिक्र इन्होंने इस प्रकार किया है। जाट मेहर सिंह जी के जो सालाना जो प्रोग्राम होता है वो किस डेट को होता है? 15 फरवरी को होता है। 15 फरवरी के दिन का प्रोग्राम होता है, रात का? दिन का होता है, 15 और 16 को, 2 दिन का प्रोग्राम होता है। अच्छा, और इसमें क्या क्या गतिविधियां होती हैं, क्या क्या प्रोग्राम करते हैं हम गांव में? उस दिन तो सिर्फ रागनी कार्यक्रम होता है। हाँ जी, बिल्कुल, दोनों ही दिन, दोनों दिन रागनी का कार्यक्रम होता है। ये मान लो कि यहाँ पर कोई भी कलाकार ऐसा नहीं होगा हरियाणा का कि जिसने यहाँ पर प्रस्तुति ना दी हो अपनी। दोनों दिन गाँव में बिल्कुल मेले जैसा माहौल रहता होगा। हाँ जी, बिल्कुल।